माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने सूबे च गैर कानूनी माइनिंग पूरी तरह खत्म करने का वड्डा दावा किया है। मंत्री बैंस मुताबक सूबे च हुण सिर्फ लीगल माइनिंग हो रही है जो पिछलियां सरकारां दे मुकाबले कई गुणा वध गई है। बैंस ने माइनिंग माफिया दे लई ना सिर्फ पिछलियां सरकारां नूं जिम्मेवार ठहराया बल्कि मान सरकार दे कार्यकाल च नाजायज माफिया ते नथ पाउण दा दम भी भरिया। जो आप गल माइनिंग की करते चाहे जिदी मर्जी सरकार रही हो पर उस इस धंधे दे विच एक माफिया का दबदबा रहा। यह पहली बारी है इस बारी कट्टड़ ईमानदार सरकार आई है। साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मैनू ये जिम्मेदारी दी ते असी दिन रात मेहनत करके इलीगल माइनिंग पंजाब चो खत्म कर दी है। बतौर माइनिंग मिनिस्टर मैं दावे नाल कह सकदा कि पंजाब दे विचों इलीगल माइनिंग खत्म हो चुकी है। जिथे भी कभी भी कोई इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट आती है फॉरन एक्शन होंदा FIR होंदी है तो मामला दर्ज किया तो किसी के नाल कोई भेदभाव नहीं। इस दे नाल ही जिहड़ा लीगल माइनिंग है उस दे विच भारी इजाफा होया। आ जिहड़े टेंडर दिते गए सी ये पिछली सरकार वलों दिते गए सी ते मार्च 2023 तक है उन्हां ही ठेकेदारां उन्हां कॉन्ट्रैक्टरां तों शिकंजा कस के ईमानदारी दे नाल लीगल माइनिंग कराई गई। तो मैं थानू दसदे हुए खुशी हुंदी है कि पिछले साल सिर्फ 35,000 तो 40,000 मैट्रिक टन डेली एवरेज एक्सट्रैक्शन होंदी सी खड्डां चों रेता बजरी निकलदा सी जबकि असी 1,00,000 तो पार लेके जा चुके हैं। कल पंजाब दे विच 1,03,000 मैट्रिक टन एक्सट्रैक्शन हुई है ते होर चौंकाने वाली आंकड़ा है पिछले साल मई महीने सिर्फ 8,00,000 मैट्रिक टन लीगल माइनिंग हुई ते इस साल मई महीने असी ऑलरेडी 18.5 लाख मैट्रिक टन पार कर चुके हैं जो कि 2 गुणा तो भी ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि पिछलियां सरकारां इलीगल माइनिंग करांदियां सी ते उस दे नाल पंजाब सरकार दे खजाने नूं जिहड़ा है उहदे च चोरी हुई एक माफिया चलदा सीगा। साडा दावा है कि असी इलीगल माइनिंग माफिया दे उत्ते टोटल उसकी जिहड़ी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। पंजाब दे विच जिहड़ा भी टिप्पर जिहड़ा भी ट्रक रेता लैके चल रहा उहदे कोल लीगल स्लिप है। पंजाब दे विच जिन्ने भी माइनिंग डिपार्टमेंट के भ्रिष्ट अधिकारी से उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। सेंसिटिव जोन पहाड़ों के उत्ते जिहड़े क्रशर लगे हुए से उन्होंने सील कर दिया गया।